दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद और 2023 की सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा यह आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वह मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग कालसर्प दोष के साथ साथ धनलक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस दिन घर की इस दिशा में एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को कुशावर्त पत्नी अमावस्या और कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 बजे पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 बजे पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 बजे से लेकर सुबह 5:19 बजे तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्माएं अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण नहीं करते उसके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष दोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है
उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोले, फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी डालें। घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। यह दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर न रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम पितरो देवता नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों के देवता माना जाता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए।
इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितर तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण व्रत मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें, उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृदेव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें, अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें, पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदैव बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के निमित्त किए ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस दिन कालसर्प योग, धनलक्ष्मी योग और भी कई सारे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन महादेव की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। यह राशियां धन से मालामाल हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मेष राशि का। मेष राशि जातकों, बता दे कि भाद्रपद अमावस्या का दिन भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा बरसेगी। व्यापार तेजी से चलेगा। व्यापार में अगर किसी प्रकार कोई रुकावट आ रही थी या फिर विघ्न बाधाएं आ रही थीं तो दूर होंगी। कारोबार का विस्तार करेंगे। महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपको फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे और कुछ अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इनकम बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए काफी खास समय रहेगा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आपको आपकी जो आमदनी होगी वह तो बढ़ेगी, साथ ही महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर सिंह राशि। सिंह राशि जातकों, बता दें कि अब आपका व्यापार तेजी से चलेगा। महादेव की कृपा से रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। इनकम में वृद्धि होगी। कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे।
महादेव की कृपा से प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे। लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। आपके वह कार्य बनेंगे जो काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही इनकम भी बढ़ेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा। महादेव की कृपा से धन संपत्ति में इजाफा तेजी से होगा। अब अगली जो तीसरी राशि है वह है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि जातको, आपको बता दें कि इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से अब आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महादेव की कृपा से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जमीन प्रॉपर्टी का आप मुनाफा कमा पाएंगे। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा हो पाएगा। कामकाज के मामले में आपको उपलब्धियां जरूर पूरी होगी। प्रत्येक कार्य में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इस समय आपकी जॉब लगने की संभावना बहुत बड़ी है। साथ ही साथ व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा और अगर कोई व्यापार ठप पड़ा था तो वह चल पड़ेगा। जल्दी नहीं शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली जो राशि आती है चौथी वह है कन्या राशि। कन्या राशि जातकों बता दे कि इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो मित्र होंगे उनके द्वारा धन लाभ की प्राप्ति के योग होंगे। जीवन साथी से संतान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से जो संबंध है वह काफी मधुर बने रहेंगे और साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से बता दें कि भाद्रपद अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से आपकी शिक्षा में सुधार होगा। कंपटीशन की परीक्षा में लाभ होगा। बड़े संस्थान में दाखिला ले पाएंगे। अब अगली जो पांचवी राशि आती है दोस्तों बता दें वह है मकर राशि। मकर राशि जातकों बता दे कि इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। प्रोफेशन लोगों से संबंध मधुर होंगे। समाज में मान सम्मान और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही कोई इम्पोर्टेंट डील फाइनल होगी। बैंक या बैंक क्षेत्र से बिजनेस व्यापार क्षेत्र से साथ ही बिजनेस व्यापार का कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। बैंक से आपके लोन मंजूर होने से आपका कार्य तेजी से चलेगा। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना वह कार्य बनेगा। महादेव की कृपा से अनेक जगहों से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अब अगली जो छठवीं राशि आती है वह है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि जातकों इस अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग से आपका रोका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ लिखापढ़ी का मामला सोल्व होगा और यात्रा से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश जा सकते हैं। शिक्षा में बड़े संस्थान में दाखिला ले पाएंगे और इस समय आपको आपके घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी। माता पिता का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।